डिशेज आती है वो सारी वेराइटीज हम तैयार करते हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे 7 से 8 डिशेज बन रही हैं जो हम यहाँ बना रहे हैं। जैसे कि जो हमारे पहले मेन है जो कबाब, रिश्ता, उस्तावा और दाइनवल कोरमा बन रहा है, हमारा रोगन जोश बन रहा है, यहाँ पे हमारा पनीर जो है वो भी बन रहा है, वेज में हमें पालक बन रही है, पालक नदरू होती है, या पालक रिश्ता बन रहा है छोटा वाला जो होता है वो भी बन रहा है, और बहुत सारी चीज़ें। हमने सोचा कि हम बहुत डिशेज वगैरह बहुत सारी डिशेज थी। अभी मैं इनसे बात कर रही थी तो ये बता रही थी कि कुछ दिन पहले इन पे स्टोरी की गई थी, तो कुछ पॉजिटिव रिस्पांस भी था, साथ में नेगेटिव कमेंट्स भी थे कि लोगों ने कहा कि अब मर्द हजरात कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो वैसे वैसे कमेंट्स, और थोड़ा अब्यूज लोग इनको करने लगे, तो उससे इनका मोरल जो है वो डाउन हो गया था। तो यही है कि अगर कोई कुछ, वैसे भी यहाँ काफी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अगर कोई सामने आ रहा है कुछ कर रहा है आप उसको अप्रिशिएट करें, ना कि उनको गालियां अब्यूज करें वगैरह। तो हमें खुश होना चाहिए अगर हमारा कश्मीरी भाई बहन कोई कुछ काम कर रहा है, कुछ डिफरेंट कर रहा है। पहले तो JKRLM जो ये जिन्होंने ये इनॉग्रेट किया है, जो सरस मेला लगाया हुआ है, उनको बहुत बहुत मुबारक की। पूरे जहाँ यहाँ जब हम आए हमारी फैमिली तो सिर्फ फीमेल थी, कुछ सामान बेच रही थी डिफरेंट स्टेट्स की थी, कुछ खाना बना रही, तो सारा देखें तो कहते हैं कि लड़कियां, अगर आपको देखना है इंडिया का कल्चर आपको देखना है तो मुझे लगता है आप सरस में आइए, यहाँ राजस्थानी फीमेल्स बनाते हो, राजस्थान के प्रोडक्ट्स बेचते मिलेंगी, राजस्थानी खाना मिलेगा, साथ साथ सिक्किम का कश्मीरी वाजवान, ये सब कुछ आपको, वैरायटी आपको यहाँ पे मिलेगी।